ये तो खुलेआम रॉन्ग कर दिया ये सीपीओ का ध्यान से सुनो जो स्टूडेंट्स हमारे सीपीओ का एग्जाम देके आए थे ओके ये सुनेंगे ये सीपीओ का इस बार का मेंस का क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर लेना ओके काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज आए थे और भेजते जा रहे इतने इतने क्वेश्चंस भेजते जा रहे हर क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग थोड़ी दिया है कि आप लोग भेजते जा रहे हो आपका गलत है तो आपको लग रहा है कि उनका आंसर गलत है बट यहाँ जितने भी हमारे सीपीओ के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए मैं एक वीडियो बना रही हूँ कि आ, कल तक आपका टाइम है चैलेंज करने का तो दो क्वेश्चन है जिसका आंसर रॉन्ग है आप इसको चैलेंज कर सकते हो और आपको नंबर मिल जाएगा देखो ये क्वेश्चन कितना इन्होंने रॉन्ग दिया है ये मेरा आंसर नहीं है ये आंसर एसएससी ने दिया है ठीक है एसएससी के अनुसार शी हेल्ड द चाइल्ड्स हैंड उसने बच्चे के हाथ को बहुत स्ट्रांगली पकड़ा हुआ था अब बताओ ये गलत बात है ना ठीक है ये गलत बात है देखो ये कितना गलत दे दिया है ये हेल्ड हेल्ड पास टेंस है ठीक है ना और एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता आपको भी पास रखना है इन्होंने क्या कर दिया है आंसर दे दिया है प्रेजेंट परफेक्ट आंसर बता दिया जो कि इनका आंसर गलत है सही आंसर कौन सा होगा डी होगा ये वाला क्वेश्चन काफी सारे बच्चों ने भेजा है सब बच्चों को पता था कि ये तो रॉन्ग है तो इस क्वेश्चन को चैलेंज कर देना द चाइल्ड हैंड वॉज हेल्ड फॉर्मली पास चाहिए ठीक है पास चाहिए और यहाँ पे भी प्रेजेंट लगा दिया है गलत है और यहाँ तो कुछ थर्ड फॉर्म लगाया ही नहीं है तो वही छोड़ दिया ओके okay, इसको चैलेंज कर देना दूसरा दूसरा आपको याद होगा अगर याद नहीं होगा तो जाके चेक करो अभी मैंने बी वाला कभी कभी मैंने बोला है ना सबसे खतरनाक क्या होता है कि जब सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कोई इडियम आ जाता है और उसको सुधारना होता है आ, आपको आपको याद होगा अभी मैंने बी वाला idiom करवाया है और बी वाले idiom में यह idiom डाला है बिसाइड टू बी ऐसा डाल सकते हैं टू बी बिसाइड himself herself हर सेल्फ कुछ भी हो सकता है ठीक है टू बी बिसाइड हिमसेल्फ टू बी बिसाइड हिमसेल्फ का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना आ, मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर एक्साइटेड हो जाना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना आप कभी कभी आ, खुशी से भी आउट ऑफ कंट्रोल होते हो कभी कभी दुख में भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो कभी कभी गुस्से में भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो सरप्राइज में भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो मतलब ओवरवेलम्ड हो जाना ये बी वर्ड में मैंने करवाया था और मेरी बात को ध्यान से सुनना एस एस सी ने इसका आ, आंसर सी पी ओ ने ये दिया जो कि गलत है ठीक है ध्यान से आ, गलत है ये एक फ्रेज है ठीक है टू बी बिसाइड ये फ्रेज बना है बी be बिसाइड हिमसेल्फ भी हो सकता है क्योंकि यहां ही है तो इन्होंने हिमसेल्फ लगाया हर सेल्फ भी होता है कुछ कुछ भी लग सकता है यहाँ पे बी be बिसाइड हिमसेल्फ और इन्होंने ना बिस idiom में एस नहीं लगा है ठीक है ये idiom में एस नहीं लगा हुआ है बट इन्होंने वही दे दिया है ना जो इसमें तो ये इसको भी चैलेंज कर देना ओके इसको भी चैलेंज कर देना Okay, अब अब ध्यान से सुनना मेरी बात को इसको भी चैलेंज कर देना क्योंकि आंसर इनका गलत है ठीक है अब बोलोगे कि मैम होगा क्या आ, ये तो गलत है ठीक है ये तो गलत है और दूसरा ही के साथ वर नहीं होता ही के साथ वाज होता ये भी गलत है तो ये भी गलत है अब बताओ कि सही क्या होगा जो मैंने लिखा है उससे आपको आराम से पता चल जाएगा कि कौन सा सही है ही यहां भी देखो यहां भी है ना बिसाइड हिमसेल्फ तो यहां भी है और बिसाइड हिमसेल्फ यहाँ भी है बट यहाँ पे वेंट है ये मत सोचना ना ये मत सोचना कि वो किसी के बगल में चला गया ठीक है ये एक मुहावरे है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना ठीक है जब उस पर गलत इल्जाम लगाया गया ना तो वो गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ओके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो अब ध्यान से देखना मैंने लगाया है बी बिसाइड हिमसेल्फ ये बी का ही फॉर्म होता है बी का ही फॉर्म होता है ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ या शी इज बिसाइड या दे वर बिसाइड ओके या आई एम बिसाइड तो ये ये वर्ब के बी फॉर्म से बना है और वर्ब के बी फॉर्म में वॉज इज वर और एम आता है तो वेंट नहीं हो ये वाला वॉज हो अरे कहाँ चला गया नो इम्प्रूवमेंट होगा नो इम्प्रूवमेंट होगा ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ यहां बिसाइड हिमसेल्फ का मतलब ये मत समझना कि बिसाइड हिमसेल्फ का मतलब है किसी के बगल में चला गया गुस्से में ये एक फ्रेज है ओके तो ये दो क्वेश्चन को आप आराम से चैलेंज करना ये दो क्वेश्चन का एसएससी ने आंसर रॉन्ग दिया हुआ है ठीक है सीपीओ के आंसर की में इसका आंसर रॉन्ग आया हुआ है ओके इसको आप आराम से चैलेंज करिए अब कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो जो मुझे और भी क्वेश्चंस भेजे हैं यस आनंद मैं देख रही हूँ और भी क्वेश्चन भेजे हैं बस यही दो क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है लेकिन कुछ बच्चों का आया है कुछ बच्चे इसको भी भेजे और बोले कि मैम एस ने इसका आंसर रॉन्ग दिया है ओके okay, एस ने इसका आंसर करेक्ट है इसको मत चैलेंज करना अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पे दैट बिल टूडे ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है और आप यही सोच रहे होगे ना कि इम्पेरेटिव सेंटेंस तो वर्ब से शुरू होता है और इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम लेट लगा के बनाते हैं ये वाले सेंटेंस का सेंस ना दोनों जा रहा है या तो ये ऑर्डर का सेंस भी जा सकता है या आज बिल पे कर देना ये सजेशन का सेंस भी जा सकता है

लेट that बिल बी पेड टूडे होता तो हो सकता बट इन्होंने टू लगा दिया टू के साथ वी वन लगा के इसको इंफिनेटिव बना दिया और लेट के तुरंत बाद वी थ्री तो आता नहीं है लेट के बाद बी लगा के वी थ्री आता है ना ओके okay, तो थोड़ा ध्यान से सुन लो जिसको कंफ्यूजन है नहीं, नहीं 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 मुझे तो स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम एसएससी ने इसको सही माना है अब पता नहीं अब पता नहीं भाई मेरे पास जो शीट आया है ना मतलब जो मेरे पास स्टूडेंट क्वेश्चन भेजे हैं ठीक है आप पता नहीं आपके मेरे पास जो बच्चा क्वेश्चन भेजा है ना उसके क्वेश्चन पेपर में आंसर ये है और ये आंसर सही है ओके okay. अब पता नहीं आपके शीट में क्या है एसएससी uh, ने आंसर ये दिया है और ये करेक्ट आंसर है काइंडली इसको चैलेंज मत करिएगा मत करिएगा मत करिएगा अब यहां भी कंफ्यूजन है <laughs> ये, ये सब करेक्ट आंसर है वाई डू वी हैव टू एक्सेप्ट दिस कंडीशन वाई हमें ऐसे कंडीशन इसको क्या भेजने की जरूरत थी सेंटेंस वाई से शुरू हो रहा तो आपको भी वाई रखना ये तो हट गया हाँ और यहां पे पता नहीं वी हैव टू एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट है और इसको नीडेड कर दिया ये भी हट गया और वाई शुड दिस कंडीशंस बी एक्सेप्टेड और वाई डू दिस कंडीशन हैव टू बी एक्सेप्टेड और यहां पे आप देख रहे हो यहां यहां आप अगर सोच रहे हो ना तो ये गलत है इसलिए क्योंकि आपने हैव वर्ड यहां पे नहीं है ना वाई शुड दिस कंडीशन बी एक्सेप्टेड नहीं होगा यहां पे हैव लगाया है तो आपको भी हैव रखना है और टू एक्सेप्ट को टू एक्सेप्टेड में बदलना ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है।, है ओके तो इसका आंसर सही है जो पहला मैंने दो क्वेश्चन करवाया है ना सिर्फ उसी का आंसर रॉन्ग था काइंडली सब मत भेजने लगे हाँ ये वाला तो कितनी बार बताया uh, कि यू सेड प्रिया प्रिया केप्ट वॉचिंग टेलीविजन टिल हर मदर एक्सप्लोडेड एट हर जब तक उसकी मदर उस पर चिल्लाई नहीं ना तब तक वो मूवी देख रही थी अब मेरे को बताओ कि ये मैंने क्लास में करवाया है और ये क्वेश्चंस बार बार आता है और बार बार आप लोग रॉन्ग कर देते हो अब बच्चों के दिमाग में गया होगा कि मैम ये सिंपल पास्ट है और सिंपल पास्ट तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है ओके okay? और ये भी सिंपल पास्ट है तो ये भी सिंपल टेलर मदर एक्सप्लोडेड ये तो होगा नहीं ठीक है ये तो होगा नहीं आपके दिमाग में आएगा कि मैम देखो क्या किया पहले ध्यान से मेरी बात को सुनो यहाँ ये सिंपल पास्ट है ये ऐसा वाला मैंने क्लास में अभी हाल फिलहाल में करवाया सिंपल पास्ट और ये भी सिंपल पास्ट तो अगर सिंपल पास्ट तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है ना बट यहाँ को तो पास्ट परफेक्ट में बदला है बट यहाँ को सिंपल पास्ट को सिंपल पास्ट छोड़ दिया है गलत यहाँ क्या किया है इसको सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में नहीं बदला है सिर्फ इसको बदले दिमाग में आना चाहिए ना कि अगर बदलता है तो दोनों को बदलना है या तो दोनों में से किसी को नहीं बदलना है ये भी गलत अब आपके दिमाग में आएगा ये आंसर आपके दिमाग में आ रहा होगा <laughs> ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम केप्ट का सिंपल पास्ट हैड बनाया और एक्सप्लोडेड का बट ये भी आंसर नहीं होगा आंसर करेक्ट है अब मुझे बताओ किसी को याद है कि कभी कभी पास्ट में दो घटना एक साथ हो रही है तो उस केस में टेंस नहीं बदलते हैं मैंने क्लास में एक एग्जाम्पल भी दिया था वेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वॉज अफ्रेड ऑफ घोस्ट जब मैं बच्चा था तो मैं गोश से नहीं डरता था यही वाला एग्जाम्पल दिया था या जब मैं खेल रहा था तो वो पढ़ रही थी तो वहां भी नहीं बदलना पास्ट में जब दो काम एक साथ हो रहा है टीवी देख रही थी मदर आके डाट तो टेंस मत बदलना ये भी सिंपल पास्ट रहेगा ये भी सिंपल आंसर करेक्ट ठीक है आंसर करेक्ट इसको भी भेज दिया है इट इज सेट डैट आइंस्टीन वॉज अ जीनियस ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टीन एक जीनियस थे और ये सेंटेंस पैसिव है इसको एक्टिव बनाना है अभी भी कहा जाता है लोगों के द्वारा अभी भी कहा जा रहा है बट आइंस्टीन तो जीनियस आइंस्टीन के बारे में पास में बोले बोली जा रही है तो चलो बताओ इसमें क्या है ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा क्योंकि आप बोलोगे मैम बाय पीपल क्यों नहीं है क्योंकि बाय पीपल को वेग माना है आप देखो इट इज सेड ऐसा कहा जाता है ये प्रेजेंट टेंस है ना अब कुछ को लगेगा कि मैम सेड तो पास टेंस होता है ये जो सेड है ना सेड पास टेंस होता है बट इस said लगा है ना तो सेड है। लोगों के द्वारा अभी भी कहा जाता है और लोगों ने कहा था अभी नहीं होगा प्रेजेंट चाहिए <coughs> लोग कह चुके हैं इसका भी टेंस ये आंसर डी नहीं होगा यार डी नहीं होगा डी में टेंस नहीं बदलना है ठीक है जब दो घटना एक साथ हो रही है ना तो उस केस में हम टेंस नहीं बदलते ठीक है यहां एक का बदला यहां भी एक का बदला यहां दोनों का बदला हम दोनों का भी नहीं बदलेंगे टेंस नहीं बदलते